हिंदुस्तान की एक कट्टर राजनीतिक पार्टी तहरीक के लबैक ने तो भारत को खुलेआम धमकियां देना भी शुरू कर दिया। ये है तहरीक के लबैक का सरबरा साद हुसैन रिज़वी, जो सीधे लाल किले पर झंडा लहराने की धमकी दे रहा है। मोदी और उसके हवारी सुन ले कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लबैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। लबैक का साद हुसैन रिज़वी भारत पर कब्जे की धमकी दे रहा है। साद हुसैन लाल किले पर अपना झंडा फहराने की धमकी दे रहा है, लेकिन वो यही नहीं रुका। इसके बाद उसने पूरी दुनिया को धमकी दे दी। हम दुनिया की अक़वामे आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिल फोर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जो उसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है।